नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। दोस्तों, होली का त्योहार आ रहा है और ऐसे में ट्रेनों को लेकर काफी मारामारी है। ट्रेन की सुविधा किस रूट पर कितनी है, किस रूट पर ट्रेन चल रही है, किस रूट पर नहीं चल रही है, किस रूट पर ट्रेनों के रद्द होने की खबर है, ये सारी चीजें आपको जानते रहना चाहिए। और जाहिर है आप जान भी रहे होंगे, जानकारी भी ले रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, IRCTC के माध्यम से। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको एक और खबर बताने जा रहे हैं और इस खबर में ये बताएंगे कि बिहार के इस कौन से जिला है जिस रूट पर 32 ट्रेनों को रद्द किया गया है और क्यों रद्द किया गया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग कार्य पूर्ण होने के बाद पटरियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम गुरुवार से यानी कि आज से शुरू हो जाएगा। पूर्व मध्य रेल को रेलवे बोर्ड से इसकी अनुमति मिल गई है। मुजफ्फरपुर रेल क्षेत्र में PNI और NI कार्य 19 मार्च तक चलेगा। इसके कारण मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली 5 जोड़ी सहित 32 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यहां से अन्य गुजरने वाली मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को डाइवर्ट कर तो कुछ शॉर्ट टर्मिनेट कर चलाई जाएंगी। बता दें कि 16 फरवरी से 24 फरवरी तक PNI चला था। बीच में सोनपुर रेल मंडल में बचवाड़ा में ये कार्य संपन्न हुआ। अब मुजफ्फरपुर में ये कार्य प्रारंभ हुआ है। गुरुवार से 16 मार्च तक PNI तथा 17, 18, 19 तक NI यानी कि नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा। इंटरलॉकिंग के अलग अलग समय में ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। इसमें कोलकाता मुजफ्फरपुर साप्ताहिक की 9 से 19 मार्च तक, मुजफ्फरपुर कोलकाता 10 से 17 मार्च तक, हावड़ा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर हावड़ा 10 से 17 मार्च तक, आनंद विहार रक्सौल 10 से 17 मार्च, रक्सौल से आनंद विहार 11 से 18 मार्च, लोकमान्य तिलक से रक्सौल 10 से 17 मार्च, रक्सौल लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 15 से 22 मार्च तक रद्द की गई है। मुजफ्फरपुर ADI साप्ताहिक 11 से 18 मार्च तक तथा DI मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 13 से 20 मार्च तक रद्द रहेगी। इसके अलावा रक्सौल आनंद विहार बुधवार शुक्रवार 10 से 12 मार्च, आनंद विहार रक्सौल मंगलवार और गुरुवार 9 से 11 मार्च, आनंद विहार रक्सौल शुक्रवार और रविवार 14 से 16 मार्च तक रद्द रहेगी। रक्सौल लोकमान्य तिलक साप्ताहिक शनिवार 13 मार्च, लोकमान्य तिलक रक्सौल साप्ताहिक सोमवार 15 मार्च तक रद्द रहेगी। इसके अलावा अन्य ट्रेनें पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएंगी। तो एक अहम जानकारी जो है वो दी गई है उन यात्रियों के लिए जो कि अभी मुजफ्फरपुर के रूट से सफर करने की सोच रहे हैं। तो हम भी यही कहेंगे कि सफर करने से पहले यात्री जो है वो एक बार चेक जरूर कर ले, क्योंकि 32 ऐसी ट्रेनें हैं जो मुजफ्फरपुर रूट से होकर गुजरती हैं और उन्हें इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रद्द करना पड़ा है और इसकी जानकारी भी यात्रियों तक पहुंचाई जा रही है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो होली का त्यौहार है और ऐसे में सभी यात्री जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने की सोच रहे हैं और ऐसे में जो है ये खबर थोड़ी सी निराशाजनक जरूर है। लेकिन हाँ, विकास का काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है और इंटरलॉकिंग की वजह से ही इन ट्रेनों को रद्द किया गया है, जो कि बहुत जल्दी ही इन ट्रेनों की सेवा भी बहाल कर दी जाएगी। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।